यूपीटेट 2020 की परीक्षा तिथि को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप भी यूपीटेट और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। प्रदेश में 70,000 शिक्षकों की भर्ती का पूरे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है जिसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आज की ये प्रमुख खबर है, बात करेंगे पीईटी एग्जाम की आवेदन तिथि को बढ़ाने के क्रम में लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है, क्या आवेदन की तिथि बढ़ेगी इसके संदर्भ में बात होगी। साथ ही बात करेंगे प्रमोट मुद्दे और प्रवेश की अन्य खबरों के बारे में और सीईटी की परीक्षा तिथि और नोटिफिकेशन के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी हम लोग विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपीटेट परीक्षा के क्रम में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा एक ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से फिर से यूपीटेट की परीक्षा के क्रम में प्रपोजल भेजे जाने के क्रम में निर्देशित किया गया था, जिस पर पीएनपी के पहले सचिव जो कि श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी थे उनके द्वारा प्रपोजल सेंड कर दिया गया था। फिर से इस ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट पर दिनांक 22 जून 2021 यानी परसों फिर से अपडेट किया गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अपर मुख्य सचिव ने फिर से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आदेश जारी किया है कि 7 कार्य दिवस में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। पहले पीएनपी सचिव के द्वारा जो प्रपोजल भेजा गया था उसमें 15 जून से आवेदन लिए जाने के क्रम में बातें कही गई थी, अब वो तिथि बीत चुकी है इस वजह से नया प्रपोजल फिर से सेंड करना होगा और अपर मुख्य सचिव ने 22 जून को फिर से नया प्रपोजल मांगा है। हालांकि पीएनपी के नए सचिव अभी तक पीएनपी पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं, हो सकता है इस प्रपोजल में और ज़्यादा विलंब होने वाला है। खैर, जो सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसमें 12 जुलाई को यूपीटेट 2020 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना और 15 जुलाई से आवेदन लिए जाने की खबरों पर चर्चा तेज है। अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने ये आर्टिकल अभी तक देख चुके होंगे, शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों पर भरने की तैयारी। इस आर्टिकल को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसके अनुसार ये बातें कही गई हैं कि प्रदेश सचिव के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में 2017 अप्रैल से अब तक जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हो गई है उनका डेटा मांगा गया है और इसी के आधार पर इस आर्टिकल में बातें लिखी गई हैं कि नई प्राथमिक स्तर की 70,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जो बेसिक शिक्षा सचिव के द्वारा लेटर जारी किया गया है उसमें रिक्त पदों की जानकारी नहीं मांगी गई है, जो 2017 अप्रैल से पद भरे जा चुके हैं उनकी जानकारी मांगी गई है। और अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब जारी होता है तो रिक्त पदों की सूचना मांगी जाती है या फिर किसी भी विभाग में कितने पद खाली हैं उसी के अनुसार तो विज्ञप्ति जारी की जाती है नई भर्ती के लिए, तो वो सूचना नहीं मांगा गया। आप चीज़ों को समझिए, यहाँ पर कितने पद भरे गए हैं इसकी सूचना मांगी गई है। हालांकि अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी इस प्रकार का आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कोई भी सूचना नहीं दिया गया है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी आयोगों की एक अहम बैठक होने वाली है, उसमें कुछ आदेश जारी हो सकता है, तो हो सकता होगा, लेकिन अभी तक की खबरों के अनुसार जो कुछ भी आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख पा रहे हैं कि 70,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सूचना मांगी गई है वो कितने पद भरे गए हैं उसकी सूचना है, ना कि रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। खबरों को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाता है ये आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। लगातार 3-4 दिनों से एससीईआरटी कार्यालय पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 22,000 पद जोड़ाने के लिए अभ्यर्थी लगातार वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी खबरें पब्लिश होने से अगर इन अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती है और सरकार पर दबाव कम होता है और कोचिंग संस्थानों को फायदा होता है, तो इस प्रकार से सोच लीजिए कि आर्टिकल से किसका लाभ हो रहा है, क्या आम प्रशिक्षुओं को इससे भर्ती मिल गई? नहीं मिली। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा नई भर्तियों के आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं दिए गए हैं। अभी जो सूचना मांगी गई है वो पहले के पद कितने भरे गए हैं उसकी सूचना है, ना कि रिक्त पदों की सूचना है। यहाँ पर अब इस खबर को दिखा करके आप लोग देखेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग वाले कई बैचेज प्रारंभ कर देंगे। देखिए, जब भी सरकार के द्वारा कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करना होता है जो कि आम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है लेकिन सरकार का उससे कुछ हित है, तो वहां से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसी खबरें प्रकाशित कराई जाती हैं। ये भी हो सकता है उनमें से एक हो। आज बेसिक शिक्षा विभाग में एनजीओ की एंट्री का शिक्षक जो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं उस पर डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षकों को भी खुल करके सामने आकर के उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीएड और बीटीसी अपने लिए कुछ ऐसी खबरों में ही उलझ करके रह गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर एनजीओ की एंट्री पहले भी कराई गई थी जहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने खुल करके उसका विरोध किया था और सरकार ने अपने हाथ पीछे ले लिए थे, लेकिन फिर से एनजीओ की एंट्री के माध्यम से यहाँ पर शिक्षण कार्य कराने की बातें निकल करके आ रही हैं। देखिए, जब भी बातें आती हैं मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सत्य होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगा अगर शिक्षक उसका विरोध कर रहे हैं, तो आपको भी उसी विभाग में जाकर के समायोजित होना है। अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो मान करके चलिए एनजीओ के माध्यम से 8-10 हज़ार में वहाँ पर टीचर हायर कर लिए जाएंगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ाने के ही नाम पर या फिर कुछ भी
उपचारात्मक शिक्षा के नाम पे या फिर ऐसी खबरें चल रही हैं, तो आपको इसका खुल करके विरोध करना चाहिए। एनजीओ की एंट्री कतई भी नहीं होनी चाहिए। सरकार स्वतंत्र है मैन पावर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर वो मैन पावर को कंट्रोल करना चाहती है तो फिर लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष बीएड बीटीसी वाले अभ्यर्थियों का भविष्य को क्यों बर्बाद करिए? जब आप एंट्री एनजीओ को ही दे रहे हैं तो फिर बीएड बीटीसी कोर्स को बंद कर दीजिए, उसके बाद से कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आप एनजीओ की एंट्री करिए या फिर बिल्कुल भर्ती रोक दीजिए, लेकिन ये एक सामान्य कोर्स नहीं है। बीएड बीटीसी को आप देखेंगे तो ये सामान्य कोर्स नहीं है, ये प्रशिक्षण का कोर्स है। इसके बाद आप सीधे शिक्षक बनने के लिए तैयार होते हैं। आप बीए बीएससी कोर्स नहीं कर रहे, अंतर समझिए। ये प्रशिक्षण कोर्स है, सरकार आपको ट्रेनिंग दे रही है शिक्षक बनाने के लिए। वहीं बात करें रीट 2021 के माध्यम से 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले ही घोषणा की गई थी, जिसमें पदों की संख्या अब 7,500 बढ़ सकती है। हालांकि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा पहले ही इस रीट परीक्षा के अलावा 19,000 शिक्षकों के पद भरे जाने के क्रम में पहले ही संकेत दिए गए हैं। तो वहां पर अब रीट के माध्यम से 38,000 और 19,000 अन्य पदों पर शिक्षकों की भर्ती या फिर अन्य विभागों में भर्तियां करने की तैयारी चल रही है। यहां पर आप देख लीजिए, जब भी रिक्तियों के संदर्भ में सूचना मांगी जाती है तो यहां पर किस प्रकार से आर्टिकल में पब्लिश होता है। यहां पर देखिए, निदेशालय ने 2 साल में रिक्त होने वाले सभी पदों की जानकारी मांगी है। जब भी कोई भर्ती निकालनी होती है तो इस प्रकार से जानकारी मांगी जाती है रिक्त पदों की। और उत्तर प्रदेश में जो जानकारी मांगी गई है वो कितने पद भरे गए हैं उसकी जानकारी मांगी गई। खबरों को आप समझना सीखिए, किस प्रकार से अंतर होता है शब्दों का उसको समझिए। बात करेंगे अगली खबर की, यूपी SSSC के माध्यम से होने वाली PET एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर एक कैंपेन चला करके PET आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का यहां पर दावा यह है कि सर्वर पर कंजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, जिसके वजह से लाखों की संख्या में ऐसे प्रशिक्षु हैं, अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपना PET के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कराया था। तो उन अभ्यर्थियों ने फिर से मांग की है कि रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाए ताकि इन लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। यहां पर मैं ये विशेष रूप से मेंशन करना चाहूंगा, आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि क्या शिक्षक बनने के लिए भी PET के लिए आवेदन करना जरूरी है। नहीं दोस्तों, ये शिक्षक से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर आप UP SSSC के माध्यम से समूह ग की जो भर्तियां होती है, जैसे कि लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, इस प्रकार की जो भर्तियां होती थी वह अब PET के माध्यम से ही होंगी। आपके लिए डायरेक्ट लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी। अगर आप PET क्वालिफाई होंगे तभी लेखपाल की भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे या फिर वीडियो की भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। राजस्थान सरकार ने दिनांक 23 जून 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही बात करें, जिला विद्यालय निरीक्षकों की लापरवाही की वजह से अब एक ऐसा मामला फंस गया है जिसको लेकर के समायोजन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया और वो पद विज्ञापित भी किए जा चुके हैं भर्ती के क्रम में। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, वर्ष 2016 में TGT PGT के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी और यहाँ पर शिक्षकों का समायोजन DIOS की लापरवाही से फंसा हुआ है। जो प्रस्ताव भेजे थे उनमें कुछ में दूसरे स्कूल में रिक्त पद की सूचना नहीं है, तो कुछ ने 2021 की भर्ती में विज्ञापित पदों पर ही समायोजन का प्रस्ताव भेज दिया है। मतलब आप समझिए कि 2016 में जो भर्ती आई थी उसी पदों पर अभी वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन उसी पदों पर 2021 में भी विज्ञापन जारी कर दिया गया पदों को भरने के क्रम में। तो अब आप सोचिए कि एक ही पद को दो भर्तियों में काउंट करके दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ खेल चल रहा है। बात कर लेते हैं प्रमोट के संदर्भ में, तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, राजसी टंडन विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को छोड़ करके सभी अभ्यर्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। वहीं DLED 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के कल दिनांक 25 जून 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा SCERT कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। चलिए शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा अभ्यर्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी 60% अंक दे करके प्रमोट करने की मांग को लेकर के वाइस चांसलर के दफ्तर पर प्रदर्शन किए हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे। अगर आप रुहेलखंड विश्वविद्यालय से MED BPED BLED कोर्स कर रहे हैं तो परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं, आप अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं बात कर ले लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा नए सेशन से UG का 4 वर्षीय कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में UG कोर्स को 4 वर्ष करने की बात कही गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।